गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक जमुना प्रसाद मेमोरियल पीजी कॉलेज की ओर से बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी पेपर सेकंड। आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिडोमा सेल या हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी ठीक है। सबसे पहले हिस्ट्री, कोहलर एंड मिलस्टेन ने इसको डिस्कवर्ड किया था। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को आर्टिफिशियली हाइब्रिड सेल से बनाया जाता है मेथड, ठीक है। हिस्ट्री में कोहलर और मिलस्टेन ने इसे डिस्कवर किया था, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। और हाइब्रिडोमा जो सेल्स हैं या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी बोलते हैं इसको, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इन्हें आर्टिफिशियली हाइब्रिड सेल से बनाया जाता है। सबसे पहले कैसे, सर्वप्रथम रैट में एंटीजन इंजेक्ट कर देते हैं जिससे रैट की स्प्लीन के अंदर एंटीबॉडी बनने लगती है। इन एंटीबॉडी से लिम्फोसाइट को सेपरेट कर लेते हैं और इस प्रकार लिम्फोसाइट सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। इस लिम्फोसाइट सॉल्यूशन को बोन मारो की कैंसर सेल के साथ मिलाकर क्या कि मिक्स करके कल्चर मीडिया में ट्रांसफर करने के बाद ये लिम्फोसाइट सेल लगातार इंक्रीज करती रहती हैं। इस कल्चर मीडिया के अंदर इंक्रीज करती रहती हैं, इन लिम्फोसाइट सेल्स को ही हाइब्रिडोमा सेल्स कहते हैं, ठीक है। कल्चर मीडिया में केवल हाइब्रिडोमा सेल्स लिविंग रहती हैं और अदर सेल जो थी वो किल हो जाती हैं और अंत में इन हाइब्रिडोमा सेल्स को आइसोलेट कर लेते हैं। एक बार फिर देख लीजिए कि सर्वप्रथम रैट में एंटीजन इंजेक्ट करते हैं जिससे रैट की जो स्प्लीन थी स्प्लीन में एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लगती है। इन एंटीबॉडी को की लिम्फोसाइट सेल्स को सेपरेट कर लेते हैं, इस प्रकार लिम्फोसाइट सेल्स का सोल्यूशन प्राप्त हो जाता है। इस लिम्फोसाइट सेल के सोल्यूशन को कैंसर बोन मारो की कैंसर सेल के साथ मिक्स करके कल्चर मीडिया में ट्रांसफर कर लेते हैं और कल्चर मीडिया में जाने के बाद ये लिम्फोसाइट सेल्स लगातार प्रोड्यूस करती हैं और इंक्रीज करती रहती हैं। इन सेल्स को ही हाइब्रिडोमा सेल्स कहते हैं। कल्चर मीडिया में हाइब्रिडोमा सेल्स लगातार इंक्रीज करती हैं तो यही लिविंग रहती हैं, अदर सेल्स किल हो जाती हैं। इन हाइब्रिडोमा सेल्स को फिर अंत में आइसोलेट कर लेते हैं। थैंक यू।